जन्नत में लोग जा रहे होंगे और इधर मुजरम खड़े होंगे, जहन्नम वाले खड़े होंगे, तो जन्नत में लोग जा रहे होंगे तो जहन्नम की सफों में से एक आदमी कहेगा भाई साहब एक जन्नत भाई साहब, वो खड़ा हो जाएगा, आपने मुझे पहचाना? कहेगा नहीं। तब मैंने दुनिया में आपको वजू की जरूरत थी तो मैंने आपको वजू का पानी दिया था, या यूं आता है मैंने आपको आपको प्यास से मैंने आपको पानी पिलाया था, याद आया का? हाँ याद आया। तो देखो मेरी जहन्नम का फैसला हो गया है, मेरी सिफारिश तो कर दो। तो वो कहेगा या अल्लाह ये तेरे इस बंदे ने मेरे ऊपर एक एहसान किया है, मुझे याद दिलाया है, मेरा जी नहीं चाह रहा कि मैं इसके बगैर जन्नत में जाऊँ, अल्लाह इससे भी मेरे साथ कर दे तो अल्लाह फरमाएगा चल तू ले जा तेरे पीछे इसको भी कर देता हूँ, ठीक है। मेरी तबलीग मर्दूद हो, आपकी तबलीग मर्दूद हो, आप खड़े हो गए मुजरमों के सफ में, आपके तुफैल सैकड़ों आदमी जा रहे हैं जन्नत में, यहीं के पैदावार बैठे हो अक्सर तुम में जो इंडिया से आए हो, तो वो थोड़े हो चुके हैं, यहाँ की नई नस्ल परवान चढ़ चुके, तबलीग का काम करो तुम्हारी जिंदगी बनेगी संवरेगी, तुम्हारे अपनी अगली नस्लें वो अल्लाह के फजल से ईमान इस्लाम पे बाकी रहेंगी। अगर तबलीग की मेहनत मिट गई तो कुछ बाकी हाथ में नहीं रह, कुछ हाथ में नहीं रहेगा, और इसे अपना काम समझ के करो। अगर मैं गलत आदमी हूं तो मेरी वजह से तुम नमाज छोड़ोगे? वाजिबाज मैंने तो नमाज पढ़ना छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी? तो तारिक जमील को देखो, तबलीग वाले ऐसे हैं, क्या करनी तबलीग? अगर तो तबलीग तारिक जमील की है फिर तो मुझे तोलो, अगर मैं ठीक हूँ तो करो, मैं गलत हूँ तो छोड़ दो। लेकिन जब तबलीग भी उसी रब का हुक्म है जिसने नमाज का हुक्म दिया, तबलीग उसी रब का हुक्म है जिसने रोज़े का हुक्म दिया, तबलीग उसी नबी का अमर है जिसने हमें शरीयत दी है, तो मुझे करना है। सारे तबलीग वाले बुरे हों मुझे करना है, सारे तबलीग वाले अच्छे हों मुझे करना है, सारे मुसलमान कोई अच्छे हैं, अक्सरियत तो बुरों की है, तो हम कलमा भी छोड़ दें फिर इस्लाम भी छोड़ दें कि मुसलमान बहुत बुरे हैं इस्लाम छोड़ दो? मैं मतलब दावा तो नहीं करता हूँ, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। जितने बेगुन मुल्क गए मुसलमान, अगर इनके अखलाक होते मेरे नबी वाले तो इस्लाम यूं फैलता जैसे सुबह सादिक की रोशनी फैलती। तुम्हारी बद अखलाकी ने हमें तबाह कर दिया। तो किसी की बुराई से हुक्म थोड़े छोड़ा जाता है। मेरे बुरे होने से तुम मदरसे पढ़ना छोड़ दो, इलम छोड़ दो, अरे मौलवी बड़े खराब होते हैं इलम ही छोड़ो, नमाजी बड़े खराब हैं नमाज, दाढ़ी वाले देखो दाढ़ी रख के झूठ बोल जाता दाढ़ी मुड़ा दो, तो अब तो तुमने दो गुना कर दिए, एक झूठ बोलने का एक दाढ़ी मुड़ाने का। क्योंकि झूठ बोलने का ताल्लुक दाढ़ी से नहीं है, झूठ बोलने का ताल्लुक शरीयत से, शरीयत में झूठ बोलना हराम। तो भाइयों तबलीग का काम हर मुसलमान के इसी तरह जिम्मे है जैसे नमाज जिम्मे है, रोजा जिम्मे है, हज जिम्मे है, ज़कात जिम्मे है, ऐसी तबलीग भी जिम्मे है कि अपने दीन को भी बाकी रखो, अपने दीन को भी की हिफाजत करो और औरों तक भी पहुंचो। पता नहीं कितने लोग तुम्हारी वजह से हिदायत पे आ जाएंगे।